हेलो दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करें। तो बात कर लेते हैं दिल्ली वर्सेस मुंबई 16वें आईपीएल टी20 मुकाबले के बारे में। इस मैच में टॉस जीता था रोहित शर्मा ने, पहले किया गेंदबाजी का फैसला। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने बनाई 172 रन, 10 विकेट, ऑल आउट हो गई थी। 19.4 ओवर में वार्नर 47 गेंदे, 51 रन, 6 चौके। पृथ्वी शॉ 10 गेंदे, 15 रन, 3 चौके। मनीष पांडे 18 गेंदे, 26 रन, 5 चौके। यशधूल 4 गेंदे, 2 रन। रोमन पावेल 4 गेंदे, 4 रन, 1 चौके। ललित यादव 4 गेंदे, 2 रन। अक्षर पटेल ने शानदार पारी खेली, 25 गेंदे, 54 रन, 4 चौके, 5 छक्के। अभिषेक पोरेल 3 गेंदे, 1 रन। कुलदीप यादव डक पर आउट हुए, रन आउट। और नौरकिया ने बनाए 3 गेंदों में 5 रन, 1 चौका। मुस्ताफिजुर नॉट आउट रहे, 1 बॉल में 1 रन बनाकर। बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की। बैरन ड्रॉफ 3 ओवर, 23 रन, 3 विकेट। अर्शद खान को कोई विकेट मिला नहीं, ग्रीन को भी कोई विकेट मिला नहीं। ऋतिक शौकीन 4 ओवर, 43 रन, 1 विकेट। मैड्रिड 3.4 ओवर, 34 रन, 2 विकेट निकाले। चावला 4 ओवर, 22 रन, 3 विकेट। और तिलक वर्मा को भी कोई विकेट मिला नहीं। अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियन की बल्लेबाजी की। तो मुंबई इंडियन ने आखिरी ओवर में यह मैच विन किया, 173 रन बनाए, 4 विकेट खोकर। रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेली, 45 गेंदे, 65 रन, 6 चौके, 4 छक्के। ईशान किशन 26 गेंदे, 31 रन, 6 चौके। तिलक वर्मा 29 गेंदे, 41 रन, 1 चौका, 4 छक्के। तो पूरे आईपीएल में अभी तक शानदार परफॉर्म किया है तिलक वर्मा ने। सूर्या कुमार यादव डक पर आउट हुए, टिम डेविड 11 गेंदे, 13 रन, 1 छक्का। कैमरून ग्रीन 8 गेंदे, 17 रन, 1 चौका, 1 छक्का। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की गेंदबाजी की। मुकेश कुमार 2 ओवर, 30 रन, 2 विकेट। मुस्ताफिजुर रहमान 4 ओवर, 38 रन, 1 विकेट। बाकी किसी को कोई विकेट मिला नहीं। और इस तरीके से 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर मुंबई की टीम ने यह मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम किया। और इस मैच के हीरो रहे रोहित शर्मा, और उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए उनको मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। और 2 पॉइंट हासिल कर लिया मुंबई की टीम ने। और वार्नर के ऊपर क्या कहना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताओ।